ये 40 है, 50 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये वाला 900 का आएगा, रिटेल प्राइस है। और जिसको होलसेल के लिए चाहिए उसका रेट अलग है। और ये सब कैसे, इसका क्या रेंज है? ये 600 है, ये 9 इंच का साइज है, ये 2250 है, 2 फीट है। तो का है महाराज का मुर्गी, ये 5200 का। हां, तू मित्रांनो बघू शकता, स्वामी समर्थाची मोठी मूर्ती पण तुम्हाला इकडे अवेलेबल होऊन जाईल। ये 350, ये कोई भी कॉम्बो लो 350 बरोबर। इसका क्या रेंज रहेगा? ये 1400 का। तो इनका क्या है? ये 1800 आएगा महाराज के, 1800। अच्छा, 120 रुपीज से स्टार्टिंग है। ये 800 आएगा। फिर इसके बाजू में वो सीटिंग वाले, वो 750 वाले। इनका क्या है? 650। ये 650 है। अच्छा, इनका क्या प्राइस रहेगा बाबा साहब का? ये 5500 के, ये 2.5 फीट है। अच्छा, इनका क्या रेंज है? इनका 550 के। 250 वाले, ये 250 का रेंज है ना सर? 12x18 साइज है, 1x1.5 फीट में सब मिक्स में आएगा। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रवीण आणि प्रवीण स्पेशल ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्या ऑफिसच्या रिसेप्शनला, सोसायटीच्या रिसेप्शनला, परत घरच्या एंट्रीला किंवा शॉकेशमध्ये किंवा इवन देवाऱ्यामध्ये पण आपण वेगवेगळ्या आपल्या आवडीनुसार आर्टिफिशियल मूर्त्या ठेवतो। आणि त्या मूर्त्यांमध्ये आपल्या बाप्पांच्या मूर्त्या, श्री स्वामी समर्थांच्या मूर्त्या, विठ्ठल रुक्मिणींच्या मूर्त्या, परत श्री आपल्या श्रीकृष्णांच्या मूर्त्या, भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्त्या, इवन आपले महाराष्ट्राचे जे आराध्य दैवत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज, ते त्यांच्या देखील मूर्त्या आपण ठेवत असतो। तर आज आपण त्यासाठीच आज आपण आलेलो आहोत दादरला। आणि आज आपण बघणार आहोत की इथे आपल्याला आर्टिफिशियल मूर्त्या, कोणकोणत्या प्रकारच्या आर्टिफिशियल मूर्त्या आपल्याला बघायला मिळत आहेत त्या। तर चला तर मग बघूया आपण कोणकोणत्या आर्टिफिशियल मूर्त्या आपल्याला आज इकडे पाहायला मिळत आहेत त्या। Thank you.
तर मित्रांनो आपण शॉपच्या आतमध्ये आता आलेलो आहोत. तुम्ही बघू शकता इथे खूप साऱ्या व्हरायटीच्या आर्टिफिशियल मूर्त्या इकडे अवेलेबल आहेत. आणि हे शॉपचे ओनर आहेत चेतन. चेतन भाई आपका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो चेतन भाई अपने पास कौन कौन से रेंज से स्टार्ट होते हैं? रेंज बेसिकली 40 रुपीज से स्टार्टिंग है. 40-50 सब अलग अलग रेंज आएगा. अच्छा 40 रुपीज से. जैसे जैसे बड़ा लेते जाओगे वो साइज बढ़ते हैं. हमें दिखाओ ना जरा कि 40 रुपीज से कौन कौन से आएंगे. ये सब रिटेल प्राइस है और जिसके अच्छा। लिए रीसेल के लिए चाहिए आगे दुकान में बेचने वो रेट अलग रहेगा. अच्छा ये 40 है, 50 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है. ये सब सैंपल पीस लगा हुआ है इसमें. सब में नया पीस मिलेगा. अच्छा सब अलग अलग रेंज के. सब अलग अलग रेंज आएगा. तो ये बेसिक रेंज वाले आपका होलसेल में अलग रेट है, रिटेल में भी? ये रिटेल प्राइस है, होलसेल अलग रहेगा. जिसको रीसेल के लिए चाहिए उसके लिए अलग प्राइस रहेगा. इसका क्या प्राइस रहेगा? कौन सा वाला? ये वाला. ये 450 का आएगा. ये अप्रोक्स 5-6 इंच का है. अच्छा और ये कौन से मटेरियल के बने? फाइबर पाउडर. फाइबर सब कुछ पूरा वॉशेबल रहेगा. पानी भी नहीं, सब चल पानी, साबुन का पानी. अच्छा इसका क्या रेंज रहेगा? कौन सा? ये वाला 900 का आएगा. रिटेल प्राइस है और जिसको होलसेल के लिए चाहिए उसका रेट अलग है. ये 2000 का है. 2000 का. इसमें हाथ में तलवार भी आएगा, महाराज के हाथ में. अच्छा उस हाथ में आएगा तलवार. इसका हाइट 22 इंच है, मतलब 2 फीट के आसपास. अच्छा 2 फीट के आसपास है इसमें. और इसका क्या रेंज है? ये 1200 का आएगा. ये 10 इंच का है. इसका क्या रेंज है? ये वाला 1250 का आएगा. ये वाला 1300 का आएगा. बाकी फिर इसमें साइज के हिसाब से पूरा रेंज 1200 है. 1200 का पूरा रेंज. 10 इंच से लेके 12 इंच तक के मिक्स है. और ये सब कैसे? इसका क्या रेंज? ये 600 है. ये 9 इंच का साइज है. और चिकन भाई इनका क्या रहेगा रेंज? ये 2200 सब रिटेल प्राइस है, होलसेल अलग है. अच्छा फिर ये सबसे बड़े आएंगे 3 फीट वाले. ये 4500 है. 4500. ये 2250 है. 2 फीट है. अच्छा, ये वापस 2000 वाले. 2000 22 इंच. 1800. इसमें जोड़ी चाहिए, जोड़ी भी आता है. अच्छा जोड़ी 3200 का है. महाराज का मूर्ति ये 5200 का. हाँ 2 फीट का. 2 फीट का है ना उसमें. इससे अगर अपना बड़ा चाहिए रहेगा तो बड़ा भी मिल जाएगा. जो साइज चाहिए मिलेगा. सब हर एक साइज का यहाँ पे अवेलेबल है. हाँ इनका क्या रेंज रहेगा? ये पूरा रेंज इधर का 250 है. ये 250 है. हाँ ये पूरा रेंज 120 और 150 मिक्स है. ये 120 और 150 का मिक्स. हाँ है. तो इनका क्या है? ये ट्री के साथ कोई भी रहेगा तो 350 का आएगा. और इसे सेपरेटली लेते हैं तो ये 120 का है. इसमें खाली ब्लैक कलर रहता है वो 100 रुपीज़ का है. अच्छा ये स्वामी समझ में 120 है. इसमें भी स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से. और ये अगर कॉम्बो लेंगे तो? कॉम्बो 350, कोई भी कॉम्बो 350. इससे बड़ा भी अपने पास अवेलेबल है क्या? रेडी है. इससे बड़ा अभी अपने को देखने मिलेगा इसमें? अच्छा यहाँ पे इससे बड़ा भी है. इससे मीडियम भी आता है. मित्रांनो बघू शकता स्वामी समर्थाची मोठी मूर्ती पण तुम्हाला इकडे अवेलेबल होऊन जाईल. आणि याच्यापेक्षा मीडियम साईज पण आहे. मीडियम वाला कोणता आहे? मीडियम वाला ये आहे. अच्छा ये विथ मूर्ती आपको 1000 का आएगा. 1000. और इसका क्या बोले आपने? कौन सा? ये 350. ये कोई भी कॉम्बो लो 350. और वो बड़े साइज का कितने बोले थे इसमें? वो वाला जो आएगा 3200. सबसे बड़ा का ना 2 फीट का है. इसका क्या रेंज रहेगा? ये 1400 है. 1400 का. और ये गणपति जी का इनका कैसा है? ये 2500 वाले. 2500 वाले ना. और ये सब रेंज? ये वही विक्टर रुक्मणी है. 2 फीट का हाइट आएगा. ये जोड़ी 3200 का आएगा. सिंगल 1700 है. अच्छा जोड़ी 3200 का, सिंगल 1700. एक ये भी बहुत सबसे ज़्यादा चलने में मीडियम साइज है. ज़्यादा छोटा नहीं बड़ा नहीं. ये 550 का है. 550 का. 9 इंच का. हरे कृष्ण भगवान का. ये 1200. तो इनका क्या है? ये 1800 आएगा. महाराज के 1800. ये 2 फीट से कम है.
और यहाँ पे क्या गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध में फिलहाल जो स्टार्टिंग आएगा ये आएगा 120 से। अच्छा ये 120 से, ये 120 इससे छोटा भी आता है 80 रुपीज़ वाला, वो नहीं है फिर। अच्छा ये 120 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, ये 120 है, ये 250 है, ये 250 का, बाकी फिर ये 350 वाला रेंज है, ये 500 वाले, ये 450 है, ये सबसे रनिंग चलता है गिफ्टिंग के लिए। अच्छा गिफ्टिंग के लिए अच्छा है सब। इसमें ये बड़ा वाला भी सेम 450 है, 450 है। और ये सब बड़े वाले हैं जो, वो 1750 1750 का। ये हनुमान जी का मूर्ति जरा दिखाओ, ये 800 आएगा। अच्छा। फिर इसके बाजू में वो सिटिंग वाले, वो 750 वाले। अच्छा, 750 ये 10 इंच है, वो 9 इंच है। अच्छा 10 इंच का उसमें, और सब ये सब एक ही मटेरियल के रहेंगे सब, सब सब मार्बल पाउडर फाइव। ये वाले जो, ये सब विनायक आर्ट्स के रजिस्टर पीस आते। अच्छा इसका थोड़ा रेंज आ रहता है बट फिनिशिंग सबसे बेस्ट रहेगा। ये कौन से, विनायक आर्ट्स के? विनायक आर्ट्स, ये 600 से स्टार्टिंग आते हैं। अच्छा इनका इनका ये रेंज 600 700 ये 800 ये 1050। और ये सब छोटे वाले में, इसमें ये वाले 200 है विक्टर रुक्मणी। अच्छा फिर ये 500 है, 500 इसमें भी नॉर्मल जो आता है ये 200 रहता है, ये 150 रहता है। इनका क्या है? 650 ये 650 ऐसे ही एक एकवीरा का भी है। अच्छा ये एकवीरा का है ना, ये 450 का है, 450 का एकवीरा का। इससे भी बड़ा मिल, बड़ा मिल बड़ा जाएगा आपको इसमें। लगा हुआ सरस्वती का, इनका क्या प्राइस है शिवाजी महाराज? ये 6500 का, ये विनायक आर्ट्स का। अच्छा ये विनायक आर्ट्स का नंबर 1 आर्टिस्ट है, उसका फिनिशिंग भी टॉप आता है विनायक आर्ट्स। ये भी इनका ही है? हाँ ये सब विनायक आर्ट्स के ही है इधर जितने। तो इनका क्या रेंज रहेगा? सेम 6500, इसमें लाइट भी लगता है। ये सब जितने भी है विनायक आर्ट्स के? हाँ इधर तक। उसके बाद में ये नॉर्मल है, ये 150 का है, ये 200 का है, में ये 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। शिवलिंग का कितना? 60 रुपीज़ का, 60 100। फिर ये 80 रुपीज़ से आदि योगी का स्टार्टिंग है, आदि योगी का 80 120 200। इसमें अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा भी ले जाएगा, पीछे लगे हुए 250 वाले। अगर इससे बड़ा फुल साइज में चाहिए 500, उससे बड़ा चाहिए तो आगे लगा हुआ है। अच्छा इससे बड़ा डायरेक्ट वो 1 फीट बाई 1.5 फीट है। इनका क्या प्राइस रहेगा बाबा साहब का? ये 5500 के, ये 2.5 फीट है। अच्छा 5000, फिर वो आ जाएगा 2 फीट, ये 2 फीट 2200 के, ये 2200। उसमें सब में अलग अलग ऑन ऑर्डर कलर मिलता है, 5-6 कलर बनते हैं। और इसमें अगर साइज में बड़ा चाहिए तो बनते ऑर्डर पे, उसमें ऑर्डर पे मिल जाएगा ना वो 2 फीट है, फिर 4 फीट आएगा, 6 फीट आएगा, जैसा चाहिए। गोल्डन कॉपर सिल्वर रोज गोल्ड 5 कलर बाबा साहब के है ना। इनका क्या रेंज है? इनका 550 इनके कितने कलर हैं? 10 इंच 10 इंच, 4 से 5 कलर लगभग सब चीज में आते हैं, सब चीज में आते हैं। ये लेटेस्ट है, इसका क्या प्राइस है? 1850 ये गोल्ड पॉलिश में आएगा, इसमें भी 6 मंथ वारंटी है। इसमें स्टार्टिंग 400 से आएगा, 400 600 400 600। इसका क्या रेंज है? ये 950 का आएगा, 950 का। इसका क्या है? 950, ये सब 950। अच्छा सब रिटेल प्राइस रहेगा, फिर बल्क में किसको रिटर्न गिफ्ट वगैरह के लिए चाहिए तो उसका प्राइस अलग रहेगा। और इसके अलावा अपने पास क्या फ्रेम भी है ना? फ्रेम का क्या? सबसे कॉमन साइज है 12x18, ये 250 से आएगा। इसमें ये सब जितने डिजाइन है गणपति जी के ही है, ये सब 250 के, ये सब 250 वाले। फिर इधर राधा कृष्ण है, ये भी सब 250 वाले। ये बेसिक साइज है गिफ्टिंग के लिए, फिक्स है।
250 का रेंज है ना सर। 12x18 साइज है, 1x1.5 फीट में सब मिक्स में आएगा। और इसका भी ये सब ये सब 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 250 है। किसको गिफ्ट वगैरह देना है तो ये बड़े में थोड़ा ये 350 है, ये 350 का। फिर इसे एक साइज छोटा भी आता है, ये साइज आएगा 150। अच्छा ये 150 का। और ये क्या सेम साइज है क्या? सेम साइज है बट इसमें विद ग्लास है, ये 200 का विद ग्लास है। एक ग्लास वाला है। हाँ अच्छा, ग्लास वाला 200 का। फिर सबसे रनिंग तो गाय वॉशरूम है, वो एक देख लो, उसका पूरा रेंज है साइज। अच्छा ये कैसा है? 50 120। गाय वॉशरूम है ना, ये 50 से चालू है इसका रेंज। 120 तो चेतन भाई आपका ये शॉप कहाँ पे गिरता है? अपना दादा स्टेशन से नियर बाई है, आप तो अभी चल के आए, आपको पता रहेगा। उसमें स्टेशन से उतरते ही कबूतर खाने के साइड आओगे ना तो मिडल में ही अपना शॉप आ जाएगा। उसमें क्या एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस इधर का शॉप नंबर 10 लक्ष्मी बिल्डिंग, एमसी जावले मार्ग। अच्छा एमसी जावले मार्ग। अपोजिट गोकुलदास या फिर नियर गोकुलदास भी लैंडमार्क के लिए अच्छा है। अच्छा और यहाँ के शॉप का टाइमिंग क्या रहता है? मॉर्निंग 10 टू रात को 9 बजे। अच्छा सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। उसमें धन्यवाद चेतन जी, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इसके लिए। इसमें तर मित्रांनो तुम्ही ह्या शॉपला नक्की व्हिजिट करा आणि इकडे तुम्हाला सर्व आर्टिफिशियल मूर्त्या होलसेल आणि रिटेल रेटमध्ये तुम्हाला मिळून जातील आणि खूप साऱ्या व्हरायटीच्या इथे मूर्त्या आहेत तुम्ही बघू शकता। मूर्त्यांबरोबर तुम्हाला फ्रेमसुद्धा अवेलेबल आहेत इकडे। तर मित्रांनो तुम्हाला या शॉपला व्हिजिट द्यायची असेल तर तुम्ही दादर स्टेशनला आलात ना तर दादर स्टेशनला वेस्टला या आणि जी कबूतरखान्याला जी लेन जाते जी गल्ली जाते तर दादर स्टेशनच्या इथून तुम्ही आलात तर उजव्या हात्याला जे शॉप आहे तिथून एक 5 मिनटं वॉकेबल डिस्टन्सवरती तुम्ही या आणि इथे एस के वर्ल्ड म्हणून या शॉपचं नाव आहे। बघू शकता की इथे सर्व प्रकारच्या मूर्त्या आर्टिफिशियल मूर्त्या अवेलेबल आहेत। तर मित्रांनो तुम्ही या शॉपला नक्की व्हिजिट द्या आणि इथे तुम्हाला सर्व प्रकारच्या आर्टिफिशियल मूर्त्या कमी रेंजमध्ये आणि जास्त रेंजमध्ये होलसेलमध्ये आणि रिटेलमध्ये सुद्धा मिळून जातील। तर मित्रांनो ह्या शॉपचा ॲड्रेस मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देत आहे तर तुम्ही नक्की डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन चेक करा। आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला कसा वाटला आहे हा मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। जय शिवराय।